दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दोस्त आपका सत्यम चतुर्वेदी और आज आपको जो बताने वाला हूं बहुत ही सिंपल और बहुत सरल तरीके से समझाऊंगा। मैंने भी बहुत कोशिश की, काफ़ी वीडियोस देखे, तब कहीं तक रिसर्च हुआ तो पाया कि मेजर और माइनर क्या होता है। कहने के लिए शुद्ध हिंदी शब्दों में, जो ये कीबोर्ड की जो वाइट लीड होती है, यहाँ से देखिए, ये जितनी भी वाइट रीड है इनको हम शुद्ध शब्दों में मेजर कहते हैं, और जो ये ब्लैक है इनको हम माइनर कहते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। जैसे इसको वेस्टर्न नोट्स में यहां से स्टार्ट किया गया है, ए बी सी फिर ए आ गया वही, और फिर एक वही बी आ गया, ऐसे सी फिर डी ई एफ जी ए बी ऐसे आता चला जाता, वही एक सीरीज बन जाती है। मेन क्या होता है, सी माफ कीजिएगा ए बी सी डी ई एफ जी, ओके ए। कैमरा से देखिएगा ध्यान से, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर वही चीज़ वही बन गई, फिर वही चीज़ ऐसे बनते चली जाएगी। लेकिन जब गाया जाता है गाना तो यहाँ से गाया जाता है, वेस्टर्न नोट में यहाँ से गाते हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा, मैं बता चुका हूँ, वाइट रीड मेजर होती है और ब्लैक रीड माइनर होती है। देखो ये हमारा ए है, ये ए शार्प है, इसको क्या बोलेंगे, ए शार्प माइनर, क्योंकि काली है, ए ए शार्प। और बी, बी मेरा बदलता नहीं है, आपको पता होगा बी का ना कोई शार्प होता ना कोई फ्लैट होता, बी बी रहता है। फिर आपका यहाँ से सी स्टार्ट हो जाता है, सी हमारा मेजर कोड है क्योंकि वाइट रीड है, और ये हमारा माइनर कोड है क्योंकि काली रीड है। इसको सी बोलेंगे और इसको सी शार्प बोलेंगे, ऐसे डी, इसको डी शार्प बोलेंगे, इसको डी मेजर बोलेंगे, ये डी मेजर है और ये डी शार्प माइनर है। इसी तरीके से ई, दोस्तों ई भी नहीं बदलता है, मैंने बता दिया है ई और बी नहीं बदलते हैं, जैसे हमारे शास्त्रीय संगीत में सा और पा नहीं बदलते हैं, उसी तरीके से वेस्टर्न नोट्स में ई और बी नहीं बदलते हैं। तो ये हमारा ई है, इसका कोई शार्प नहीं है, ई है। इसके बाद ये एफ है, ये हमारा एफ नोट्स है, ये एफ से एफ शार्प माइनर है, और ये हमारा जी नोट है, इसको जी मेजर बोलेंगे क्योंकि वाइट रीड है तो जी मेजर और काली रीड है तो जी माइनर, लेकिन ये जी मेजर है और जी शार्प है, जी शार्प माइनर, ये जी शार्प माइनर बोला जाएगा, ये जी मेजर बोला जाएगा। तो हो गया सी डी ई एफ जी या ए बी सी डी ई एफ जी, कोई प्रॉब्लम हो बताइएगा, जी हो गया, जी शार्प हो गया, फिर वही अपना ही आ गया। तो सिंपल से शब्दों में कह सकते हैं कि वाइट रीड जितनी भी होती हैं कीबोर्ड में, जहाँ भी आप वाइट रीड देख रहे हो, क्योंकि एक सीरीज बनी हुई है, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से भारी आवाज़ निकलती है, बेस टाइप का आवाज़ निकलता है, यहाँ कॉर्ड्स भी लगते हैं, यहाँ कॉर्ड्स निकलते हैं अधिकतर क्या होता है ये, और यहाँ पे हम लोग मध्य सप्तक, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक, तार सप्तक का दुगुण, और ये कॉर्ड्स का और बेस का होता है। तो सीधी सी बात है, वाइट जितनी भी रीड हैं ये मेजर हैं, और जो काली यानी ब्लैक रीड है ये माइनर। थैंक यू सो मच, मेजर और माइनर जाना। अब जैसे कि